नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों। मथुरा उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केंद्र के द्वारा किया गया कैंप का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर मथुरा के जिला उद्योग केंद्र के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश उपस्थित हुए। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार देना और जिला उद्योग के द्वारा प्रशिक्षण पा चुके अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस कैंप के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को लोन के फॉर्म भी भरवाए गए जो अपना रोजगार खोलना चाहते हैं। इसमें सिंडिकेट बैंक के एलडीएम अनिल गुप्ता द्वारा जानकारी दी गई। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी वीरेंद्र कुमार और अग्रणी बैंक एलडीएम अनिल गुप्ता द्वारा जानकारी दी गई। मथुरा से कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ ठाकुर ब्रजवीर सिंह जादू, उनकी रिपोर्ट। देखिएगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की जो एक सोच है उसी के अनुरूप आज जिला उद्योग केंद्र के नेतृत्व में आज यहाँ पर जिन लोगों को हमने प्रमाण पत्र दिए, जिन्होंने अपनी उद्योग चयन किया है उनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं। आपके 20-25 लाख जैसा उद्योग के उन्होंने अप्लाई किया लीड बैंक के माध्यम से, जैसे सिंडिकेट बैंक लीड बैंक है उसके गुप्ता जी ने उनको लोन दिया है। हमारे उपायुक्त बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके एक जो सोच है सरकार की उसको साकार रूप करके दिखाया है। यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में लगभग 70 लोगों को जो ट्रेनिंग कंप्लीट की है उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए गए हैं और 40 लोगों को टूल किट्स दी गई हैं और 1,66,00,000 का जो ऋण विभिन्न बैंकों ने स्वीकृत किए उनके स्वीकृति पत्र यहाँ पे वितरित किए गए हैं माननीय विधायक जी के माध्यम से। और ये कार्यक्रम हमारे एक शासन से जो निर्देश हमको मिले हैं हमारे निदेशालय से कि वृद्ध लोन के जो फॉर्म हैं वो भरवाए जाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं या लोग हैं वो जो भी अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो यहाँ पे ही हमने फॉर्म भी बांटे हैं लोगों के जिससे कि हम हाथों हाथ यहाँ पे फॉर्म भरवा के और वो उनका इंटरव्यू करा के बैंकों को उनको प्रेषित कर सकें ताकि वो लोन का लाभ उनको मिल सके, लोन प्राप्त कर अपना उद्यम स्थापित कर सकें। माननीय विधायक जी, DIC से उपायुक्त महोदय सब हम लोगों ने एक मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री रोजगार योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं इसमें सब लागू हो रही हैं। इसमें बैंक में सभी योजनाएं चल रही हैं और अभी जैसा कि हमारे उपायुक्त महोदय ने बताया कि बैंकों को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि जो भी पात्र हैं, जो पात्र कैंडिडेट हैं उन सभी के लोन की स्वीकृति की जाए और तुरंत इस चीज़ को ख़त्म करा जाए। और बैंक इस कार्य में पूरा क्षेत्र के लिए जो सरकार की योजना है उनमें पूरा सहयोग दे रही हैं और उम्मीद की जाती है सभी योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे।